अपने आईने को अपना मित्र बनाना। आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखने सीखने वाले हैं। यह आपके मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप स्वयं से प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। अपने काम में डटे रहें। वह प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिनों से आप साथ लेकर चल रहे हैं। जल्दी ही आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे अफर्मेशन सच प्रतीत होने लगेंगे। अब मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा जेबी आईना निकालें या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। बस आराम से खड़े होकर सांस लें, आईने में अपने आप को देखें, फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए कहें, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ अपूर्वा, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। चलिए हम इसे फिर कहते हैं दो बार, और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ अपूर्वा, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि यह कुछ अजीब या बेवकूफ़ी भरा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में यह वास्तव में अजीब और बेवकूफ़ी भरा काम लगता है, या शायद आपको यह एक मुश्किल काम लगता हो। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वह एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान है। मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं यह भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, और मुझे गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाके आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इससे कुछ आसान चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप यह कहने की कोशिश कर सकते हैं, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रही हूँ। जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। अब अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहें, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा, लेकिन याद रखें कि इसमें समय लगेगा। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाएं, अपने साथ एक जेबी आईना लेकर चलें, ताकि आप उसे बार बार निकालकर स्वयं से एक प्रेम भरा एफर्मेशन कह सकें। आइए एफर्म करें, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। आपका दूसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में देखें, अपना नाम लेते हुए यह एफर्मेशन कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ करता हूँ। कुछ पल निकाल कर दो या तीन बार और कहें। इस वचन को बार बार दोहराते रहें। मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में कम से कम 100 बार इसे दोहरा पाए। हाँ, आपने ठीक पढ़ा, एक दिन में 100 बार। मैं जानती हूँ कि यह आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में जब आप रोह में आ जाएंगे तो 100 बार यह कहना आपको आसान लगेगा। इसलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरें या अपना प्रतिबिंब देखें, बस इस एफर्मेशन को दोहराएं, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। जब आप स्वयं से मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना मुश्किल पाते हैं, तो ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं, वह पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते हैं। निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी न बढ़ाएं।
बस आराम से रहें और अपने एफर्मेशंस कहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। यह याद रखें, आप एक ऐसे एफर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। सच यह है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते हैं। जब आप मिरर वर्क कर रहे हों तो हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होगा।